थैंक यू सो मच, 200 मच, 300 मच। जी हाँ, जितना थैंक यू बोलूँ आपको उतना कम। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। लुसेंट बुक के इतिहास का जैसे ही विषय हमने कंप्लीट करा, वो सभी वीडियो आपने देखे, उन सभी वीडियो पर आपने एक अच्छा रिस्पांस दिया, अपनी फीलिंग को आपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है कि आपका जो रिस्पांस होता है वो मुझे एक हिम्मत देता है, मुझे एक ताकत मिलती है उस चीज़ से, और कुछ ना कुछ नया करने की, और मैं कुछ ना कुछ नया करता हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। YouTube की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, YouTube के रूल्स के अकॉर्डिंग, YouTube अब हमसे ये कहता है कि आपका कोई भी सब्सक्राइबर है और आप अपने चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उस तक वो नोटिफिकेशन उसको नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? अगर वो सब्सक्राइब करता है और बेल आइकन पर क्लिक नहीं करता है तब। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है और आपको डेली के एक वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आपने कहीं ना कहीं बेल आइकन पर क्लिक नहीं कर रखा है। तो बेल आइकन पर क्लिक करिए तो आप देखिएगा आपको डेली एक नोटिफिकेशन पक्का मिलेगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, पहली बार इस वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बट लेकिन किंतु परंतु, सब्सक्राइब करने से पहले आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, फिर डिसाइड करना कि सब्सक्राइब आपको करना है या फिर नहीं करना है। अगर यूजफुल हो ये वीडियो, ये चैनल आपके लिए, तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, जीव विज्ञान भाग एक। इसमें हम कवर करेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण, कोशिका विज्ञान और डीएनए और आरएनए में क्या क्या अंतर होता है, इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। जीव विज्ञान, आखिरकार जीव विज्ञान होता क्या है, हमको ये पता होना चाहिए। यह क्या होती है? यह विज्ञान की एक शाखा होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, जीवधारियों का अध्ययन होता है, ठीक है। उसके बाद जो अब आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने करा था, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लैमार्क। आप इसको हाईलाइट करिए अपनी बुक में। अगर बुक नहीं है तो आप मार्केट से परचेस कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दूंगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं, जहां से आपको बेस्ट लगे वहां से परचेस करिएगा। बट वीडियो को देखने का बेनिफिट तभी होगा जब आपके हाथ में बुक होगी ये वाली और एक हाईलाइटर्स होगा। हाईलाइट आप करेंगे या अपने किसी पेन से, पेन ब्लू रेड किसी भी कलर से आप हाईलाइट करेंगे तो आपको पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। देखिए अब क्वेश्चंस यहां पे ये बनता है कि मधुमक्खियों का जो पालन का अध्ययन होता है विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है, उसका नाम बताइए। तो आप याद रखिएगा वो है आपका एपिकल्चर, ठीक है। तो आपका ये एपिकल्चर भी इम्पॉर्टेंट है, तो एपिकल्चर और सेरिकल्चर दोनों ही आपको याद रखने हैं, ठीक है। रेशम कीट पालन का अध्ययन जीव विज्ञान की कौन सी शाखा में होता है, तो ये है आपका सेरिकल्चर। उसके बाद में आपको ये नीचे के याद नहीं करने हैं, केवल आपको याद करना है क्या, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, क्वेश्चंस कभी कभी यहाँ पे ये भी पूछ लेता है आपसे। ये नहीं पूछेगा कि मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है आपका और यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है कि ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। आपको चार ऑप्शन देगा, फ्लावर, बर्ड्स, ठीक है ना, फिश या फिर क्या, मधुमक्खी भी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हर तरह से क्वेश्चंस को बना के देखना है आपने कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑर्निथोलॉजी में होता है पक्षियों का अध्ययन। उसके बाद हम बात करते हैं सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में जो अध्ययन होता है वो होता है छिपकलियों का अध्ययन। तो अगला जो पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है अरस्तु के बारे में। देखिए क्या हुआ था कि जीव विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी किसको बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी किसको बोलते हैं, दोनों ही नाम आप याद रखिएगा। जूलॉजी बोले या बायोलॉजी बोले तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अरस्तु। याद रहेगा ये आपका राइट आंसर क्या रहेगा, अरस्तु। फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब अरस्तु।
अब हम बात करते हैं कि जीवधारियों का वर्गीकरण किस किस प्रकार से होता है। तो ये वर्गीकरण जो करा था, सबसे पहले किसने करा था? ये करा था लीनियस ने, ठीक है। और जीवधारियों को दो भागों में इसका वर्गीकरण करा गया है। पहला है आपका पादप जगत, सेकंड है आपका जंतु जगत। ये चीज आपसे नहीं पूछेगा, आपसे केवल ये पूछेगा कि वर्गीकरण किसने करा था, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है लीनियस। और उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ सकता है कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं किसको? तो ये कहते हैं हम लोग लीनियस को। याद रहेगा आपको लीनियस? बिल्कुल रहेगा। उसके बाद में मोनेरा क्या होता है और प्रोटिस्टा क्या होता है? देखिए, इस जगत में सभी प्रायक्रियोटिक जीव, अर्थात क्या होता है इसका मतलब क्या होता है? प्रायक्रियोटिक जीव क्या होते हैं? ये होते हैं जीवाणु, बैक्टीरिया या फिर ऑर्की बैक्टीरिया, इन सभी कैटेगरी में शामिल होते हैं, ठीक है। तंतु में जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोटिस्टा में कौन कौन चीजें आती हैं? तो यह दो प्रकार के जीवन पद्धति रखते हैं। सूर्य के प्रकाश में अपने आप ही ये क्या होते हैं? पनपने लगते हैं, स्वपोषित होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए सूर्य के प्रकाश में क्या होते हैं, ये अपने आप ही अपना पोषण कर लेते हैं और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित करके अंतर्गत साधारणतया प्रोटोजोआ आते हैं, ठीक है। आपसे देखिए इसकी डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, छोटा मोटा ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। अगर आपका कोई अगर स्टेट पीसी का एग्जाम आप दे रहे हैं तो वहाँ पे मेंस में आपके ये पॉइंट काम आ सकते हैं, ठीक है। एसएससी में फिलहाल इतना कुछ नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसके बारे में? पादप के बारे में, कि पादप क्या होते हैं, कौन सी कैटेगरी में आते हैं। श्रेणी हमारी पांच थी। वर्गीकरण कितने भागों में करा गया? जीवधारियों को पांच जगत भागों में बांटा गया है। ये पांचों नाम इनके दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब आपको याद करना है पादप। पादप क्या होते हैं? ये होते हैं शैवाल, मांस, फूल और अपुष्पीय बीजीय पौधे जो होते हैं, वो सभी किस कैटेगरी में आते हैं? तो वो सब आते हैं पादप में। आपको चार ऑप्शन देगा, एक में बोल देगा आपको मोनेरा, एक में देगा आपको प्रोटिस्टा, एक में बोलेगा पादप और सेकंड में बोलेगा आपको कवक। चार ऑप्शन देगा तो आपको लगेगा ये नाम कुछ नया सा बन रहा है, मोनेरा शायद ये होगा, लेकिन यहीं पे बच्चे गलती कर देते हैं। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ लॉजिक अपना नहीं लगाना है एग्जाम में, कोई कॉमन सेंस ज्यादा यूज नहीं करना है, कॉमन सेंस आप यूज करिएगा रीजनिंग में, राइट। तो फिलहाल पादप का जो है वो है शैवाल, मांस, पुष्प और अपुष्प के बीच किस कैटेगरी में आते हैं? वो आते हैं पादप में। और उसके बाद हम बात करते हैं कवक के बारे में। कवक बोलते हैं इंग्लिश में फंगी को। और इसमें क्या होता है? जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। किसमें अवशोषण के द्वारा पोषण होता है? तो वो है आपका फंगी। अब एनिमल आपको पता होगा एनिमल क्या होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इनको मेटाजोआ भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? मेटाजोआ, याद रखना। फिर जीवों का नामकरण, एक्चुअली हर कोई जो जीव है उन सबका एक साइंटिफिक नेम है। तो ये साइंटिफिक नेम किसने दिया? तो ये नाम रखा था, स्टार्टिंग करी थी लीनियस ने, कैरोलस लीनियस। ये वही लीनियस है जिसके बारे में अभी मैंने आपसे ऊपर बात करी थी, ठीक है। तो देखिए मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? एग्जाम में ये पूछता है कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, आपके सामने देगा ये क्वेश्चंस। तो आपको चार ऑप्शन देगा, वहां पे आपको देगा होमो, राना, फैलिस और कैनिस। इस तरह के ऑप्शन आपको देगा यहाँ पर। तो आपको याद रखना है मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियंस, और मेंढक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है राना। तो आपको केवल मनुष्य का याद रखना है, गाय का, मक्खी का, गेहूं और मटर जरूर याद रखिएगा आप, ठीक है। अपनी बुक में देखिए मनुष्य का है होमो सेपियंस, गाय का है बोस, मक्खी का है मुस्का, गेहूं का है आपका ट्रेटिकम, मटर का है आपका पाइसम, ठीक है। पाइसम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में अभी बताऊंगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी वैज्ञानिक की रिसर्च होती थी वो मटर के ऊपर होती थी, ठीक है। तो इसलिए मटर का वैज्ञानिक नाम उन्होंने सबसे पहले रखा था। मनुष्य का तो बाद में पड़ा था, लेकिन पहले पड़ा था मटर का। तो मटर का कई बार पूछ लेता है आपसे। तो मटर ये वही मटर है जो आप सब्जी में यूज करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कोशिका विज्ञान जो होता है। जीव द्रव्य का नामकरण किसने करा था? तो ये करा था पूरी किंजी ने सन 1839 में। और जीव द्रव्य को कितने भागों में डिवाइड करा जाता है? तो ये करा जाता है दो भागों में। और इसमें आपको कौन कौन से भाग हैं ये आपको याद नहीं रखना है। आपको याद रखना है केवल क्या? आपको याद रखना है केवल जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है? जल होता है। क्या होता है उसमें? जल, वाटर, पानी, नीर।
अब हम बात करते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काइटोलॉजी। काइटोलॉजी में किसका अध्ययन करा जाता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, आपको क्वेश्चन में ये नहीं देगा कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, आपको काइटोलॉजी भी दे सकता है क्वेश्चन बना करके, और आपसे पूछेगा, ऑप्शन देगा आपको कोशिका। तो हर तरह से आप क्वेश्चन को बना के देखिए, पढ़िए बुक को। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि कोशिका शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग करा था किसने करा था, वो करा था रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने करा था। कब करा था? 1665 में। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन से प्रकार की ये आप रहने दीजिए, इसको फिलहाल जरूरत नहीं है। कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, दो ही भाग होते हैं बस केवल, ठीक है। कोशिका भित्ति की बात करते हैं, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। कौन कोशिकाओं को निश्चित आकृति और आकार देता है, कौन सी भित्ति देती है? तो वो देती है कोशिका भित्ति, ना कि कोशिका झिल्ली। तो इसको इसमें मर्ज आपने नहीं करना है, ठीक है। कोशिका भित्ति का काम क्या होता है उसको उसी तरीके से पढ़ना है, और कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है उसको उसी तरीके से हमने रीड करना है। तो आप इसको भी एक बार रीड कर लेना प्लीज। और मैं बात करता हूँ आपसे राइबोसोम। राइबोसोम का आविष्कार करा था रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने। कब करा था? 1953 में। आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका खोज जो करी थी वो करी थी अल्टमैन ने 1886 में। फिर हम बात करते हैं लाइसोसोम के बारे में। इसका आविष्कारक थे डी डूबे नामक एक वैज्ञानिक ने करा था। कब करी थी खोज? इसकी बारे में डिस्कस नहीं है इस बुक में, और ना ही आपसे पूछेगा। आपसे केवल ये क्वेश्चन लाइसोसोम में पूछ सकता है कि इसमें कितने प्रकार के एंजाइम होते हैं। इसमें टोटल होते हैं 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपसे 24, और इसको बोलते हैं आत्मघाती थैली, मतलब सुसाइड वेसल्स, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं आपसे वर्णी लवक क्या होते हैं। तो देखिए वर्णी लवक क्या होते हैं, ये रंगीन लवक होते हैं, और जैसे कि लाल, पीले, नारंगी रंग के ये होते हैं। तो उसमें जैसे कि हमारा कोई भी आप देखते हैं टमाटर, चुकंदर, गाजर, ये सभी लाल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक वर्णी लवक होता है, इसमें एक क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो उन सब क्रोमोप्लास्ट का नाम क्या क्या है? टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो उसमें होता है लाइकोपीन। तो लाइकोपेन बोलेगा, लाइकोपीन बोलेगा, PEEN भी देगा आपको एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे टमाटर का जो लाल रंग होता है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है उसमें लाइकोपेन होता है, और गाजर का जो लाल रंग होता है उसमें क्या होता है, उसमें कैरोटीन होता है। अगर कैरोटीन निकाल दिया जाए तो गाजर क्या होगा, गाजर रेड कलर का नहीं होगा, वो किसी और ही कलर का होगा, ठीक है। चुकंदर का लाल कलर जो होता है वो होता है बीटानिन के कारण, या फिर देखिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से भी पूछ लेता है कि टमाटर का लाल रंग भूमिका निभाने के लिए, टमाटर की लाल रंग भूमिका निभाने के लिए कौन सा उसमें लवक पाया जाता है, कौन सा उसमें लवक पाया जाता है, या किस रीजन से टमाटर का रंग लाल होता है, तो बताइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है वो कभी कभी। तो आगे हम बात करते हैं, देखिए प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है। जेली कैसे होती है? जो आप बालों में जेल लगाते हैं, फेस पे जो आप जेल यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स आप यूज करते हैं, तो उसमें जेल जेल कैसा होता है, जेल जैम की तरह काफी गाढ़ा होता है, ठीक है। तो ये गाढ़ा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? मैट्रिक्स। तो गुणसूत्र में जो जेली के समान गाढ़ा पदार्थ मिलता है उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन मार्क ये बनता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अब हम बोलते हैं वंशागति का वाहक क्या होता है। देखिए वंशागति का वाहक वही होता है कि एक तकलीफ दूसरे वंश तक ट्रांसफर होती रहती है। जैसे फादर की तकलीफ उसके बच्चे तक पहुंची, कोई तकलीफ या कोई एक पॉजिटिव बात भी हो सकती है। कुछ लोग मैंने देखा है कि वो लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम लेते हैं, उनको लेफ्ट हैंड से बहुत ही सुटेबल फील होता है। उनके फादर भी लेफ्ट हैंड से ही काम करते थे, सबके सब लिखने का काम, जो भी सारे काम होते थे। तो कुछ लोग होते हैं कि ठीक है, सिक्स सेंस उनकी काफी इंप्रूव होती है, उनको न्यूमेरिक बहुत जल्दी याद हो जाती है फादर को। तो बेटे को भी देखा जाए कुछ टाइम बाद तो न्यूमेरिक बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, किसी का फोन नंबर उसको बोलो फॉरवर्ड स्पीड में तो वो फॉरवर्ड फोन नंबर याद कर लेता। तो ये क्या होती है, ये वंशागति का वाहक होती है ये सब चीजें, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ आरएनए और डीएनए के बारे में। मैं बात करता हूँ क्षार क्या होता है, इसी का डीएनए का पार्ट है क्षार आपका। तो डीएनए में उपस्थित क्षार जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 4 प्रकार के बेस होते हैं डीएनए में। और उसके बाद हम बात करते हैं डीएनए का कार्य क्या होता है, ये सभी अनुवांशिकी क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी एक इकाई है, यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो प्रोटीन संश्लेषण को कौन नियंत्रित करता है, तो वो इस सब काम क्या है, वो है डीएनए का कार्य। अब हम बात करते हैं आरएनए का निर्माण कैसे होता है, तो डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है। तो याद रखिएगा आरएनए जो बनता है वो बनता है डीएनए से।
तो इस क्रिया में डीएनए की श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार जुड़ जाती है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थायमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए इसमें हम बात करते हैं केवल प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं। प्रोटीन जो बनता है उसकी अंतिम क्रिया को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। याद रहेगा आपको, ट्रांसलेशन बिल्कुल रहेगा। अब देखिए डीएनए और आरएनए में डिफरेंस क्या होता है, इनका मुख्य अंतर क्या होता है। आपको केवल डीएनए और आरएनए में जो मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है, इनकी शर्करा क्या होती है, शर्करा का क्या नाम होता है, ठीक है। तो देखिए डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा को हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज, और राइबोज बोलते हैं केवल सिंगल आरएनए को। तो आपको डीएनए फिर आरएनए दोनों की शर्करा का जो शर्करा होती है उसका नाम क्या है वो याद रखना है। और यह मुख्यतः कहाँ पर होता है, डीएनए मैक्सिमम केंद्रक में होता है, सेंटर में होता है, जबकि आरएनए एक्चुअली सेंटर में भी होगा और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। क्योंकि देखिए ये जो आरएनए कम्प्लीटली डिपेंड होता है किस पे, डीएनए में। डीएनए से ही आरएनए निकलता है बाहर आकर के, तो ये डीएनए से ही तो निकल के बाहर आया ना आरएनए, तो डीएनए का केंद्रक क्या होगा, केंद्रक होता है इसका मुख्यतः, तो केंद्रक में से क्या निकलेगा, आरएनए निकलेगा। तो केंद्रक यहाँ पे हो गया, फिर कोशिका द्रव्य साथ में और जोड़ लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो इसका आकार क्या होता है, इसका आकार कम होता है आयताकार, और जंतु का आकार क्या होता है, ये होता है वृत्ताकार। क्या होता है, वृत्ताकार। अब हम बात करते हैं कोशिका विभाजन क्या होता है। कोशिका विभाजन सबसे पहले किसने ये इन्वेंट करा था, ये 1855 में किसने करा था, बीर चाऊ ने। अब हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, इसका आविष्कार कब हुआ था। तो ये विभाजन जो हुआ था फार्मर और मोरे ने करा था 1905 में। तो कोशिकाओं में एक अर्धसूत्री विभाजन को हम क्या कहते हैं, कोशिकाओं में जो अर्ध विभाजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसका अन्य नाम क्या है, तो वो है आपका मियोसिस। अब हम बात करते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज सबसे पहले बीजमैन ने की थी, लेकिन इसका सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने करा था। देखिए सबसे ज्यादा जो अध्ययन करा था वो करा था 1888 में किसने, स्टॉर्सबर्गर ने। क्या, स्टॉर्सबर्गर ने। तो आपके एग्जाम में स्टॉर्सबर्गर ही मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहां पर आपके सामने बीजमैन बहुत ही रेयर चांस है कि आपसे पूछे। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए सम सूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन में अंतर, तो कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं है। देखिए कि यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है और यह विभाजन क्या होता है, जनन कोशिका में होता है। समसूत्री कायिक कोशिका में, और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो थोड़ा छोटा था लेकिन अच्छा था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, और आपके जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। इन सभी वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप पेटीएम के माध्यम से हमारे चैनल को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका हाथ बहुत टाइट है, तो प्लीज़ 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 आप बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट मत करना। ये कंट्रीब्यूशन केवल उनकी तरफ से होगा जो स्टूडेंट भी हैं और एक जॉब भी करते हैं, चाहे भले प्राइवेट जॉब करते हो, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कुछ भी जॉब करते हो, साइड में अगर आप तैयारी भी करें तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी भी करिए और अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको भी अच्छे से निभाइए, बहुत अच्छी बात है। तो फिलहाल मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। और एक बार अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इस चैनल को तो प्लेलिस्ट में जाइए, चेक करिए, देखिए क्या क्या कुछ मैं आपको इस चैनल पर मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, एंड और आप सभी को मेरी तरफ से आपके आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल उन्नति कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं बायोलॉजी के बारे में, और बायोलॉजी से मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ये बात आपको पहले से पता होगी यदि आप काफ़ी लंबे समय से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं, नए नए इस
फील्ड में आप आए हैं, कंपटीशंस की आपको तैयारी करते हुए केवल 1 से 2 महीने हुआ है, तो आपको शायद इसका आइडिया नहीं होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि जीएस में कभी भी कोई भी विषय पढ़ना हो, शुरुआत हिस्ट्री से करना, उसके बाद में आप बायोलॉजी को पकड़ना, उसके बाद में आप ज्योग्राफी को टच करना, ठीक है। तो देखिए, अब हम जो डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे इस लूसेंट बुक के बारे में, ठीक है। ये बुक है, ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी मुझे बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब मैं इसी बुक में से आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे केवल वही बताऊंगा आज, ठीक है। तो आप वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि आप इस बुक को परचेस कर लीजिए मार्केट से, या फिर अगर मार्केट पास में नहीं है तो आप इस बुक को ऑनलाइन परचेस कर लीजिए अमेज़न के थ्रू। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से परचेस कर सकते हैं। वीडियो को देखते हुए आप इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करिएगा, ठीक है। और जब आप हाईलाइट करेंगे ना एक एक लाइन को और इस वीडियो को देखेंगे, आई एम डैम श्योर, मैं आपको पक्का वादा करता हूँ कि आपको इस बुक का एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो। आप ठीक है, अगर ऐसा नहीं भी करते हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको ये बुक याद नहीं हो पाएगी कभी भी, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा। आपको जैसे भी पढ़ना है वैसे पढ़िए, बस टारगेट ये है कि इस वर्ष के अंत तक, 2017 के एंड तक आप अपना सिलेक्शन लेकर के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना, प्लीज़ मत भूलिएगा। कहीं से भी पढ़िए, टारगेट ये है कि वो पढ़िए, इतना अच्छा पढ़िए कि आपको एग्जाम में कभी भी कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा तो आपको उसका एग्जाम में राइट आंसर क्लिक करके आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अनुवांशिकी, इस टॉपिक का जो पहला पॉइंट है वो है अनुवांशिकी के बारे में। देखिए, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, संचरित होते हैं, उन्हें बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अनुवांशिक लक्षण। अब हम बात करते हैं थोड़ा ग्रेगर के बारे में, ग्रेगर कौन था। देखिए, अनुवांशिकी जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। तो अनुवांशिकी जो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग करा था वो एक ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे, साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था ग्रेगर जोहान मेंडल, ठीक है। याद रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ग्रेगर जोहान मेंडल ने किसका आविष्कार करा था, तो ये था अनुवांशिकी का, इन्होंने इन्वेंट करा था, इन्होंने अनुवांशिकी शब्द को पहले बार साइंस के अंदर ऐड करा और उन्होंने पूरा तरीके से एक्सप्लेन करा कि अनुवांशिकी होती क्या है, जेनेटिक्स किसको बोलते हैं। तो अब बात करते हैं आपसे, क्वेश्चंस एग्जाम में आपके एसएससी में या अदर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से ये बनता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है किसको, ग्रेगर को। एग्जाम में आपको कभी कभी सिंगल ये वर्ड देगा, ग्रेगर देगा, या फिर आपको दे सकता है मेंडल। तो आपको पूरा ही नाम याद करने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना ना एग्जाम में आपने। देखिए, अगर गलती से उसने ऑप्शंस में ग्रेगर दे दिया और आप मेंडल पढ़ के चले गए, मेंडल आपको याद रहा, वहां पे आपको मेंडल नहीं मिला, उसने वहां पे दे दिया ग्रेगर, तो क्या करोगे, आपके हाथ से तो क्वेश्चन गया ना, एक नंबर गया आपके हाथ से। तो इसलिए रिस्क नहीं लेना है, कुछ नाम को पूरा ही पढ़ लीजिए। फादर ऑफ जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेगर जोहान मेंडल इसके रचयिता थे, ये मान लीजिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाटसन कौन था। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 में क्या करा था, जेनेटिक्स नाम का प्रयोग करा था, ठीक है। जेनेटिक्स नाम का जो प्रयोग करा था वो ग्रेगर ने भी करा था और वाटसन ने भी करा था। एग्जाम में आपको दो में से कोई एक नाम ही देगा, दोनों नाम देकर के वो अपना क्वेश्चन रॉन्ग नहीं करेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चंस में कि एग्जाम कंडक्ट हो जाता है लेकिन लास्ट में क्या होता है, क्वेश्चंस वो गलत क्वेश्चंस बन जाता है, पूरा डिपार्टमेंट एक एक नंबर सबको देता है, ठीक है। तो ग्रेगर जोहान मेंडल को याद रखिएगा और आपको वाटसन भी याद करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा थोड़ा सा फीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। देखिए, फीनोटाइप क्या होता है, जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, डायरेक्ट सामने जो विजिबल होते हैं उनके लक्षण, तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, और उसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। और जीनोटाइप क्या होते हैं, कुछ ऐसे लक्षण जो दिखते नहीं है, ठीक है। जीवधारियों के अनुवांशिक संगठन को उसका क्या बोलते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कार को मतलब जीन का बना होता है। अनुवांशिकी संबंधी का जो प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पौधे का चुनाव करा था, अनुवांशिकी जो उन्होंने इन्वेंट करा था उसके लिए एक पौधे का चुनाव करा था, उसमें उसने ये देखा कि यार वास्तव में ये जो होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें ट्रांसफर होती हैं, तो ये वास्तव में सही बात है। तो उसने अपने इस बात को, इस तथ्य को रखा था, कौन से पौधे को हाथ में लेकर के, मटर का पौधा उन्होंने हाथ में लिया था, उन्होंने
एक कोई रोग जो था पौधे में डाल दिया, ठीक है, और उसके बाद में जैसे ही उससे एक नया पौधा जन्म लिया, पौधा नया बना, तो क्या हो गया, वो रोग उसमें ट्रांसफर हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। तो बस उसने कौन से पौधे का यूज करा था, उसने करा था मटर के पौधे का यूज। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है बच्चों साइड से, क्योंकि किसी और जगह मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वो जो हाउस है, जो पूरा वो हॉल है, वो एक्चुअली रोड के नियर में है, ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस होने के लिए सॉरी। देखिए पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में जैसे प्रीलिम्स एग्जाम होते हैं आपके स्टेट के ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है, अनुपात पूछता है। तो फिनोटाइप अनुपात होता है 3:1, और जीनोटाइप अनुपात कितना होता है, ये होता है 1:2:1, ठीक है। फिनोटाइप 3:1, जीनोटाइप 1:2:1, सब कुछ इस बुक में आपको मिलेगा, जो भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, सब कुछ इस बुक में आपको मिल जाएगा। तो इस बुक को तो आपने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब क्या होता है, ये जो था आपका पहला था आपका पीढ़ी का पौधा, उसके बाद में बोलते हैं F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात जो होता है वो होता है 9:3:3:1, और F2 पीढ़ी के पौधे को बोलते हैं जीनोटाइप अनुपात 1:2:1:2:4:2:1:1:2:1। तो कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लेता है आपसे, ठीक है, तो डरना नहीं है। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके सामने बनेगा वो बनेगा आपसे, जाति और उनके गुण सूत्र की संख्या क्या होती है। तो घरेलू मक्खी मक्खी जो होती है, जो घर में जो मक्खी वगैरह देखते हैं, तो उसके गुण सूत्र की संख्या कितनी होती है, 12। बात करें चूहे की, तो चूहे के गुण सूत्र संख्या कितनी होती है, ये होती है आपकी 40। और 46 किसकी होती है, ये होती है आपके मनुष्य की, हम सब मनुष्य हैं, हमारे गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है एग्जाम में ये पूछ लेता है, ये होती है 46। फिर हम बात करते हैं टेरी डोकाइट्स की, जो संख्या होती है गुणसूत्र की, वो इस 1300 से लेकर के 1600 तक होती है। अब हम बात करते हैं गुणसूत्र का प्रतिपादन नामकरण सबसे पहले किसने करा था और कब करा था। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो ये करा था डब्ल्यू वॉल्टियर ने 1888 में, और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं जीनोम। और गुणसूत्र के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा जीन। प्लाज्मा जीन जीनोम क्या होता है और किसने इसका नामकरण करा, ये तीनों चीजें आप याद रखिएगा। और गुणसूत्र की संख्या इसमें आपको अभी याद कर लेनी है, इसको कल पे नहीं छोड़ना है, इसको नोट नहीं करना है, इसको तुरंत याद कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए मानव में क्या होते हैं, कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्राथमिक अमीनो एसिड मानव के शरीर में कितने पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 20। उसके बाद हम बात करते हैं कि मनुष्य में लिंग का जो निर्धारण होता है वो क्या होता है, वो डिपेंड होता है गुण सूत्रों की संख्या पर। और मनुष्य में गुण सूत्रों की संख्या कितनी थी, 46। अभी हमने ऊपर देखा था, देखिए मनुष्य के बारे में देखा था 46, यही क्वेश्चन इसने साफ साफ यहाँ पर दे दिया। अब हम बात करते हैं, देखिए परख नली शिशु के मामले में जो निषेचन होता है, हम कहते हैं परख नली शिशु है ये, तो उसमें जो निषेचन होता है वो कहाँ पे होता है, परख नली के अंदर होता है बाहर होता है, एक्चुअली ये होता है परख नली के अंदर। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है। जैव विकास, अगला पॉइंट है हमारा जैव विकास। जैव विकास क्या होता है, इसके बारे में हम देखते हैं कि प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को हम क्या कहते हैं, जैव विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशंस। बाकी और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें इतना नहीं है। मनुष्य में लगभग क्या होते हैं, कितने अवशेष पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं हमारे 100। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से थे, उनका नाम क्या है, उनका नाम है क्या, साइनोबैक्टीरिया। और पक्षियों का जो विकास हुआ था वो एक्चुअली क्या हुआ था, सरीसृप से हुआ था ऐसा माना जाता है। और जल और स्थलचर, जो जल में भी चलते हैं और स्थल पर भी, जैसे मगरमच्छ होते हैं ऐसे जीवों का विकास किससे हुआ है, ये हुआ है मत्स्य वर्ग से। और स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी क्या हुआ है, सरीसृप से हुआ है। तो आपसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछता है, आपसे पूछता है जल स्थलचर पक्षी और ये प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से होते हैं, तो ये पूरा ही पॉइंट हाईलाइट कर रखा है, आप भी इसको इसी तरह से हाईलाइट करना अपने बुक को, ठीक है, हाईलाइट करके छोड़ना नहीं है, उसको रिवीजन भी मारना है उसका, ठीक है, रिवीजन जरूर करना है उसका, ठीक है।
अब देखिए जीवाश्म क्या होते हैं, सिंपल कि अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों के पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान होते हैं परंतु बाद में क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं, चट्टान बन जाते हैं बड़े बड़े। तो इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं जीवाश्म कहते हैं। और जो इन सबका अध्ययन करते हैं कैसे ये जीव मरा, कैसे अवशेष बने, कैसे चट्टान बनी, कौन से जीव की मात्रा इस चट्टान में काफी अधिक है, पत्थर में ये है वो है ये वगैरह वगैरह सब क्या होगा, जीवाश्म विज्ञानी क्या होता है ये करता है इसका अध्ययन। अब हम बात करते हैं लेमार्कवाद क्या कहता है। देखिए लेमार्कवाद का सिद्धांत कब दिया गया था, ये दिया गया था 1809 में, और उनकी एक पुस्तक थी, उनकी पुस्तक थी फिलोसफी जूलॉजिक। फिलोसफिक जूलॉजिक किसने लिखी थी, ये कभी एग्जाम में क्वेश्चन बुक का नाम दे देता है और आपसे पूछता है इसके रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं लेमार्क। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रकृति होती है। अब हम बात करते हैं डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन इसका पूरा नाम था। तो चार्ल्स डार्विन ने 1809 से लेकर के 1882 ईस्वी ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे देश का, पूरे विश्व का एक्चुअली भ्रमण करा था। किस किसने करा था ये नाम आपको याद रखना है। चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा था, बीगल नामक एक जहाज का नाम है एक्चुअली ये, ठीक है, बीगल एक जहाज का नाम है। उस जहाज पर बैठ करके पूरे विश्व का भ्रमण करा था। तो उसने देखा था कि जैव किस तरह से विकास करते हैं, ये सर्च करने निकला था। कौन से जहाज पर, बीगल नामक जहाज पर। और ये वर्ष हो सके तो याद कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं आपसे वनस्पति विज्ञान के बारे में। वनस्पति विज्ञान क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान कहते हैं, उसको बोलते हैं बोटैनी। तो वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, उसका नाम बताइए, उसका नाम है थियोफ्रेटस, थियोफ्रेस्टस। और एकलर क्या था, एकलर ने 1883 ईस्वी में वनस्पति जगत का वर्गीकरण करा, पादप जगत दो भागों में डिवाइड करा, फिर इसके बाद में उसको तीन भागों में डिवाइड करा, किसने कितने भागों में डिवाइड करा वो सब आप छोड़ दीजिएगा, बस अब याद रखिएगा कि वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने करा था, उसका नाम बताइए, उसका नाम है आपका एकलर। कब करा था, 1883 में। फिर आपका थैलोफाइटा, यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह होता है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा होता है, उसका नाम बताइए। यह आपका शैवाल बोल देगा आपको, थैलोफाइटा दे देगा आपको, एक पौधे का नाम दे देगा या फिर कोई अदर ऑप्शन देगा, तो आपको याद रखना है क्या, थैलोफाइटा। फिर हम बात करते हैं शैवाल के बारे में। शैवाल क्या होते हैं, देखिए शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं हम लोग फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन करा जाता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, तो आपको याद रखना है शैवालों का अध्ययन करा जाता है किसमें, फाइकोलॉजी में। फिर है आपका क्लोरेला। क्लोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यान के कैबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आपको इस शैवाल का नाम याद रखना है, क्या है ये, क्लोरेडा नामक शैवाल। क्या होता है, अंतरिक्ष अपने कैबिन में रखता है इसको, उससे क्या मिलता है, उसको भोजन मिलता है, जल मिलता है, ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। कौन से शैवाल से अंतरिक्ष यान के कैबिन में और उसको अंतरिक्ष यात्री को क्या क्या मिलता है, प्रोटीन युक्त भोजन मिलता है, जल मिलता है, शैवाल का नाम बताइए, याद रहेगा क्या, क्लोरेडा, सॉरी क्लोरेला, ठीक है। आगे बात करते हैं कि कवक जो होता है इसके अध्ययन को कवक विज्ञान कहते हैं। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, इसमें अध्ययन होता है कवक का। तो आपके लिए कि कवक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, वो कवक का वर्ड यूज नहीं करेगा आपके सामने, ये शब्द नहीं देगा आपको क्वेश्चंस में, वो देगा माइकोलॉजी। आपको इंग्लिश की टर्म में ही, इंग्लिश के ही वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे किसी भी एग्जाम को देने से पहले, क्योंकि तो देखिए कॉमन सी बात है, कवक विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, एक बच्चा भी बता देगा इस चीज को कि कवक विज्ञान में कवक का अध्ययन होता होगा, कॉमन सी बात है। लेकिन वो स्मार्ट है डिपार्टमेंट, कोई भी एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, आपको पेपर डिजाइन कर रहा है, तो वो आपसे उम्मीद करता है कि आप कम से कम छोटी मोटी जो टर्मोलॉजी है साइंस की वो आप याद कर पाए। देखिए कवक पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं, कवक पौधों में क्या करते हैं, गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। तो पौधों में जो कोई भी रोग होता है ना, हम कहते हैं कि पौधे खराब हो गए हैं, कीड़े लग गए पौधे में, तो वो सब कारण क्या होता है, कवक। अब हम बात करते हैं, देखिए एक रोग होता है दमा, और उसके कवक का नाम क्या होता है, हमको कवक के नाम भी याद रखने हैं, ठीक है। खाज जो होती है, खुजली जो होती है, उसमें कौन सा कवक काम करता है, तो ये है आपका आकेरस, स्केबीज, ठीक है, गंजापन, टीनिया,
कैपिटीज दाद जो होता है वो इसके द्वारा होता है। तो ये सब कवक आप याद कर लीजिएगा। आप मेडिकल की तैयारी तो खैर नहीं कर रहे होंगे, अगर कर रहे हैं आप तैयारी तो आपको ये सब चीज़ें पहले से याद होगी। अगर आप MBBS वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सब कवक के नाम आपको टिप्स भी याद होनी चाहिए। तो अगर आप नहीं भी कर रहे हैं लेकिन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके कम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं विषाणु के बारे में। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक ने करी थी। इसका नाम क्या था? इसका नाम था इवान विस्की। ठीक है, इवान विस्की। जीवाणु क्या होते हैं? इसकी खोज हुई थी 1683 में हॉलैंड के एटोनी वान ल्यूवेन हॉक ने की थी। और जीवाणु विज्ञान का पिता किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं ल्यूवेन हॉक को। फिर अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका एक पाश्चीकरण होता है। ठीक है, तो इसके पाश्चीकरण की दो तरीके होते हैं। एक तो होते हैं लो टेम्परेचर में करते हैं इसको, मतलब उबालना होता है एक तरह से। ठीक है ना, इसको एक नॉर्मल टेम्परेचर में उबाल देते हैं जिससे क्या होता है दूध लंबे समय तक चलता है। आप देखते होंगे ना, आप जैसे अमूल वगैरह दूध यूज करते हैं तो उसके पैकेट में लिखा होता है, क्या लिखा होता है? पाश्चीकरण दिस 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 देता है वहां पे। ठीक है, तो ये होता है दूध को क्या करते हैं 68.2 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं। ठीक है, और हाई पे क्या होगा, 62 की जगह पे क्या होगा, 71 हो जाएगा, और 71.7 होगा, और 15 सेकंड तक इसको गर्म करते हैं। तो आपसे पूछता है कि लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में, मतलब दूध के LTH, दूध में जो LTH मेथड अपनाया जाता है उसमें दूध को कितने मिनट तक गर्म कराया जाता है? तो ये था 30 मिनट। अगर बात बोलेगा ST ST मतलब हाई की बात करेगा तो उसमें क्या है, 15 सेकंड। तो एग्जाम में मैक्सिमम वो टाइम पूछता है, टेम्परेचर बहुत कम ही पूछता है। अगर आप किसी स्टेट PCS के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे आपसे पूछ सकता है टेम्परेचर, मतलब कितने डिग्री सेल्सियस से पर वो उबाला जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। देखिए, इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। तो ये डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं चलिए, कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का एक समूह होता है, जमीन पर उगने वाले पौधों का एक ग्रुप होता है। इस प्रभाग में लगभग क्या होती हैं, 25,000 जातियां सम्मिलित होती हैं। और इसमें जो संवहन होता है ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इस समूह को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि स्फेगनम नामक मांस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखते हैं। मतलब उनका वेट चाहे जितना भी हो उससे 18 गुना वो पानी पी लेते हैं। इसलिए माली इसका उपयोग पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। अगर एक पौधा लंबा ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि कोई आपके स्टेट है वहाँ पे कोई चीज़ काफ़ी अच्छी उगती है, जैसे हम कहते हैं कुछ स्टेट में कड़ी पत्ता काफ़ी अच्छा उगता है, और मैं आपसे बोलूं कि दिल्ली में ट्रांसफ़र करना है उसको, और आप रहते हैं कहाँ पर, चेन्नई में, और चेन्नई से अगर आप दिल्ली में ट्रांसफ़र करेंगे उसको बस के माध्यम से या फिर ट्रेन के माध्यम से, तो वो बीच में कहीं मुरझा जाएगा। उसको पानी कौन देगा? उसको पानी देगा ये कैटेगरी। राइट, समझ में आ गया? इस फेग नंबर आगे देखिए, हम बस ये पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा क्या होता है। इस समूह के पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकतर पाए जाते हैं। पौधों का शरीर क्या होता है? जड़, तना, शाखा एवं पत्तियां में विभेषित होता है। तना साधारणतः क्या होता है? राइजोम के रूप में होता है। तो इतना मत पढ़िए फिलहाल, और बस इतना पढ़ना कि पौधे बीजाणु जनक होते हैं। पौधे क्या होते हैं? पौधे होते हैं बीजाणु जनक, और जनन की क्रिया कहाँ करते हैं? बीजाणु के द्वारा होती है। इनकी जनन की क्रिया कैसे होती है? बीजाणु के द्वारा ही होती है। फिर हम बात करते हैं नग्न बीजी एवं आवर्त बीजी। तो हम डायरेक्ट तो कुछ नहीं पढ़ सकते, ऐसे नग्न बीजी भी होते हैं, आवर्त बीजी भी होते हैं। ये क्या होते हैं? फिलहाल नग्न बीजी में क्या होते हैं, ये मेरुभिद होते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं मेरुद्भिद। सबसे छोटा अनावर्त बीजी पौधा कौन सा है? ये क्वेश्चन देखिए बस इसमें, ठीक है, इसको हाईलाइट करना आप। जीगो बाइलोवा को मेडेन हेयर ट्री भी कहते हैं। मेडेन हेयर ट्री किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं जीगो बाइलोवा को। देखिए, एक बीजपत्री पौधे कौन कौन से होते हैं? तो
ये कौन से कुल से बिलोंग करते हैं, किस गोत्र से बिलोंग करते हैं, अगर मैं ये कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। देखिए, उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीज पत्र पाए जाते हैं, और इनके कुल का नाम एवं प्रमुख पौधों का नाम निम्न सारणी में दिया गया है। कौन सी सारणी में? नीचे जो सारणी दी गई है उसमें दिया गया है। आपको याद करना है लहसुन और प्याज के बारे में। लहसुन और प्याज, लहसुन और प्याज वही जो आप सब्जी में यूज करते हैं, तो ये किस कुल से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं लिली एसी से। और सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, ये किस कुल से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं आपके पालमी से। गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई आदि, इनके कुल का नाम क्या है? इनके कुल का नाम है ग्रेमिनेसी। याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा आपको। बस बाकी कुल के नाम की आपको आवश्यकता नहीं है याद करने की, ठीक है? तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपने बुक को हाईलाइट करा होगा, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट करा होगा, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, उसमें कंजूसी मत करिए, और आपका जो भी फ्रेंड कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उस तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप भी आगे बढ़िए और औरों को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और आप इस चैनल में अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर आप वर्किंग है किसी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, आप पेटीएम के माध्यम से भी इस चैनल को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपका कंट्रीब्यूशन इस चैनल पे ही यूज होगा, क्योंकि किसी भी बुक की वीडियो बनाते समय उसकी स्कैनिंग करनी पड़ती है। स्कैनिंग भी कहीं ना कहीं पेड होती है। कोई अगर स्कैनिंग करता है, फिर उसके बाद हम उसको हाईलाइट करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर, माइक, टाइम, स्पेस, बहुत सारी चीज़ों का कुछ एक्सपेंस होता है। अगर आप हैं एलिजिबल, अगर आपको लगता है कि ठीक है हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो करिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज़ कंट्रीब्यूट मत करिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप किस तरह से आप फादर से, मदर से, अपना घर से पैसे मंगवाते हैं, और आप यहाँ कंट्रीब्यूट करेंगे तो ऐसा मत करना। कंट्रीब्यूट करना जब आप सक्षम होंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए, तब। तो ठीक है, फिलहाल इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। परचेज कर लीजिएगा बुक को मार्केट से। अगेन बोलूँगा, परचेज कर लीजिएगा, वरना डिस्क्रिप्शंस पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको उसका अमेजन का ऑनलाइन लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगली बार वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ हाथ में बुक होनी चाहिए। धन्यवाद।